Hi student, good morning. Good morning, sir. Class 10 exercise 9.1 NCERT book का question number 5 में solve करने के लिए जा रहा हूँ. Question क्या दिया गया आपका? A kite flying at a height of 60 meter. A kite flying हो रहा है, उड़ रहा है, उसका क्या है आपका? Height कितना दिया गया आपका? 60 meter. Above the ground, ground से, ठीक है? The strings attached to the kite is temporarily tied to a point. On the ground, the inclination of the steering with the ground is 60 degree. कितना degree का angle बन रहा है जो kite जो उड़ रहा है हम लोग का? 60 degree. तो find the length of the steering. Assume that there is no slack in the steering. तो हमें हम लोग का क्या निकलना है यहाँ पे हम लोगों का अभी? हम लोगों का क्या निकलना है अभी? Hypotenuse निकलना है. हम लोगों को क्या निकलना है अभी हम लोगों का? Hypotenuse. तो हम लोगों को पता है अभी निकलने के लिए क्या करेगा हम लोग? इन ट्रायंगल डायग्राम ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बना दिया है और लेंथी नहीं करते हुए मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए. तो हम लोगों को किस कौन सा लेना पड़ेगा? इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि बी सी बाई क्या होगा हम लोग का? ए सी, ठीक है. बी सी बाई क्या होगा हम लोग का? ए सी. निकलना क्या है हम लोग का? निकलना क्या है हम लोग का? ए सी निकलना है ना हम लोग का? हाइपोटेन्यूस निकलना है, ठीक है. ए सी निकलना है तो हाइपोटेन्यूस निकलना है तो क्या होगा हम लोगों का? इज इक्वल टू सिन 60 डिग्री, ठीक है. क्योंकि हम लोग को हाइपोटेन्यूस निकलना है इसलिए क्या ले लिया हम लोग? परपेंडिकुलर का क्या ले लिया हम लोग? हाइपोटेन्यूस. यानी कि पी बाई क्या लिया हम लोग ने? एच. पी बाई एच इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का? साइन थीटा होता है, ठीक है. ये राफली मैंने से कर दिया आप लोगों को समझाने के लिए. ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने समझा दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा. यानी कि बी सी हम लोग का कितना दिया गया हम लोगों का? 60 डिग्री. डायग्राम में ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं वैल्यू स्लिप पुट अप करना है हम लोगों को. बी सी इज इक्वल टू कितना हम लोगों का? 60 डिग्री. बाई ए सी हम लोगों को निकलना है ना? हाइपोटेन्यूस ए सी इज इक्वल टू सिन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है हम लोगों का? रूट और 3/2. अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. क्रॉस अगर करते हैं तो क्या होता है हम लोगों का? सी ए सी इज इक्वल टू 120 √3. यानी कि हमें जब हम लोग का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा हम लोगों का? 6 × 2 = 12, 0 का 0, ठीक है. कन्फ्यूजन नहीं होना हम लोगों का. और ए सी रूट थ्री क्या तो क्या हो गया? रूट थ्री ए सी हो गया ना. ऑलरेडी इस तरफ आएंगे तो क्या हो जाएंगे हम लोग का? बाई रूट थ्री कर सकते हैं ना हम लोग? बाई रूट थ्री. अब जब 120 √3 हो गया तो हम लोग इसको क्या करेंगे? हम लोग रेशनलाइज करेंगे, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में भी सॉल्व किया था, ठीक है. रेशनलाइज कैसे करते हैं हम लोग? ए सी इज इक्वल टू 120 √3 इंटू डिनोमिनेटर से हम लोग रेशनलाइज करते हैं ना. डिनोमिनेटर क्या हम लोगों का? रूट थ्री है. तो डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि रेशनलाइज करेंगे. क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे. ए सी इज इक्वल टू 120 √3 क्या हो जाएंगे हम लोग का? 120 √3 बाई √3 √3 क्या हो जाएंगे हम लोग का? √3 × √3 लिख सकते हैं हम लोग. यानी कि ए सी इज इक्वल टू 120 √3 बाई √3 √3 है तो क्या निकल 50% बाहर निकलना है ना हम लोगों को. अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है. कैंसिल करते हैं तो क्या होता है हम लोग का? 3 से 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12 हो चुका है. 0 का 0. तो यानी कि हम लोगों का ए सी इज इक्वल टू 40 √3 आ चुका है. हम लोग का क्या निकल चुका है? हाइपोटेन्यूस निकल चुका है हम लोगों का. यह आंसर हो चुका है आप लोगों का. ये आंसर बहुत ही ईजी है आप लोगों के लिए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. एनी प्रॉब्लम? एनी डाउट? कुछ भी डाउट होगा तो क्या करना आप लोगों को? कमेंट कीजिएगा. RSL गाइडेड बाय रुकुल सर हमेशा आप लोगों के साथ है. थैंक यू.